हम लोग आज एक्सप्लोर कर रहे हैं ओस्लो सिटी। कैफ़े में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, बहुत ही सुंदर कैफ़े था, और हम निकल पड़े हैं ओस्लो सिटी को आज एक्सप्लोर करने के लिए। लोकेशन हम आए हैं ओस्लो ओपेरा हाउस। ओस्लो का ये जो ओपेरा हाउस है ये 2008 में बना था और नॉर्वेजियन आर्किटेक्चर्स ने बनाया था, और बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है इसका, वेरी मॉडर्न, लॉट्स ऑफ पैटर्न्स और इंटीरियर्स बहुत ही सुंदर है, यूनिक पैटर्न्स हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको सिडनी के ओपेरा हाउस से तो कंपेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा ज़्यादा आइकॉनिक है, ये मॉडर्न लुक वाला है, बट इट्स रियली ब्यूटिफुल। ये हाउस ऑफ नॉर्वेजियन ओपेरा एंड बैले भी है, तो आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं।
तो हम अभी ओस्लो कैथेड्रल के सामने हैं। ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ओस्लो कैथेड्रल है। ये 1694 टू 97 के अराउंड बनी है ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग आज भी रॉयल फैमिली और गवर्नमेंट के कुछ इवेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पे एक फ्लावर मार्केट भी है जहाँ पे काफ़ी यूनिक टाइप के फ्लावर्स हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं। खत्म हो रहा है, सब थक चुके हैं। विचार यही है कि ये जो बचा हुआ नाश्ता है सबको भरेंगे सबके मुंह में, और सब अपने अपने रूम में जाओ, नहाओ धो सो, ठीक है। कल सुबह मिलेंगे फिर, फ्लाइट पकड़ेंगे। नॉर्वे फिनिश करके अब हम निकल रहे हैं हमारे फोर्थ कंट्री की तरफ। तो हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये देखने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय।